टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड 2022 2022 में दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद। नंबर 10 स्टीव बाल्मर, नेटवर्थ 97.6 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों पिछले दो सालों में जहां दुनिया में आने वाली वबा ने दुनिया भर में मौजूद 34% से ज्यादा छोटे बिजनेसेस को खत्म कर डाला है, वहीं दुनिया के टॉप 1% अमीर अफराद की दौलत में कई गुना ज्यादा इजाफा भी हुआ है। आज 2022 में दुनिया के 10 सबसे अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में हमारे पास 10वें नंबर पर अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले स्टीव बाल्मर आते हैं। आज स्टीव 67 साल की उम्र में 97.6 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के असासों के मालिक हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 58,54,400 पाकिस्तानी करोड़ रुपए बन जाते हैं। अगर आप भी अभी तक ये सोच रहे हैं कि ये गरम आंडे जैसी शक्ल वाले अंकल इतने अमीर कैसे हो गए हैं, तो बस आसान अल्फाज में ये जान लें कि इन्होंने छोटी सी उम्र में ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी को अपना बेहतरीन दोस्त बना लिया था। जी हाँ दोस्तों, स्टीव बाल्मर 17 साल तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी कहलाए जाने वाले बिल गेट्स के बेस्ट फ्रेंड हैं, और बिल के कहने पर ही इन्होंने 1980 में बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन कर लिया था। पिछले 50 सालों में बिल गेट्स और इनकी कंपनी पर काफी दफा बुरा वक्त भी आया और बहुत से लोगों ने इनका साथ भी छोड़ दिया, मगर स्टीव वो वाहिद आदमी थे जो कि बिल गेट्स के साथ खड़े रहे और आज से कई साल पहले मिलने वाले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के 4% शेयर्स स्टीव ने हमेशा अपने सीने से लगा कर रखे और इन्हें कभी नहीं बेचा। आज माइक्रोसॉफ्ट आईटी की दुनिया की सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू रखने वाली कंपनी है। चूंकि आज माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट वैल्यू 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुकी है, इसलिए इसमें अपने थोड़े से शेयर्स की वजह से स्टीव बाल्मर भी 97.6 बिलियन डॉलर्स के असासों के मालिक बन गए हैं और हमारी लिस्ट पे 10वें नंबर पर आते हैं। नंबर 9 मुकेश अंबानी, नेटवर्थ 97.7 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों आज 2022 में दुनिया के सबसे अमीर अफराद की फहरिस्त में हमारे पास 9वें नंबर पर भारत से ताल्लुक रखने वाले मुकेश अंबानी आते हैं, जिन्हें ये एजाज जाता है कि ये न सिर्फ भारत के सबसे अमीर आदमी बल्कि ये पूरे एशिया में भी मौजूद सबसे अमीर आदमी रह चुके हैं। 65 साल मुकेश अंबानी भारत की मशहूर मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, जो कि आज से कई साल पहले इनके वालिद धीरूभाई अंबानी ने शुरू की थी। 1967 में इन्होंने अपनी सबसे पहली टेक्सटाइल मिल लगाई और इसके बाद साल 1977 में इनकी कंपनी रिलायंस मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट भी हो गई। 50 साल पहले शुरू होने वाली ये कंपनी आज भारत भर में 2,36,650 अफराद को रोजगार फराहम कर रही है। अब रिलायंस एक टेक्सटाइल मिल ही नहीं बल्कि ये दुनिया में होने वाले तकरीबन हर कारोबार में घुस चुकी है। एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस, रिटेल स्टोर्स, टेली कम्युनिकेशन, मैस मीडिया और टेक्सटाइल्स, हर चीज में रिलायंस पहुंच चुका है। इसके अलावा मुकेश अंबानी को ये एहसास भी जाता है कि ये दुनिया के सबसे महंगे घर के मालिक हैं, जिस पर $1 बिलियन से भी ज्यादा की लागत आई थी। हम मुकेश अंबानी के बारे में एक मुकम्मल फैक्ट से भरपूर वीडियो पहले भी अपने चैनल पर बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 8 सर्जी ब्रिन, नेटवर्थ 101 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर दुनिया की मशहूर जमाना कंपनी गूगल के बानी सर्जी ब्रिन आते हैं, और इनकी डिटेल में जाने से पहले आपको ये बताते चले कि अभी तक आप में से सिर्फ 9.9% दोस्तों ने ही हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। हम ये वीडियोस बहुत ही मेहनत से रिसर्च करके आपके लिए बनाकर लाते हैं, और अगर आप तक ना पहुंच सके तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का आइकॉन भी जरूर दबा लें। दोस्तों सर्जी ब्रिन और लैरी पेज, ये दोनों वो दोस्त हैं जिन्होंने साल 1998 में दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन सर्च इंजन google.com बनाया था। आगे चलकर इन्होंने और बहुत सी प्रोडक्ट्स भी बनाई और ये सब अब गूगल से भी बड़ी एक कंपनी अल्फाबेट की मलकियत में आता है। सर्जी ब्रिन और इनका दोस्त लैरी दोनों ही पहले दिन से ही इस अल्फाबेट नामी कंपनी के 6% शेयर होल्डर रहे हैं, और आज इसी की बदौलत सर्जी ब्रिन की अपनी नेटवर्थ 101 बिलियन डॉलर्स जा चुकी है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 19,19,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। दोस्तों आपको एक मजे की बात ये भी बताते चलें कि जो लोग 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा के मालिक हों, इन्हें सेंटी बिलियनर्स कहा जाता है। नंबर 7 लैरी पेज, नेटवर्थ 105 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों हमारी लिस्ट पर 7वें नंबर पर गूगल के को फाउंडर लैरी पेज आते हैं, जिन्होंने अपने दोस्त सर्जी ब्रिन के साथ मिलकर गूगल की बुनियाद रखी थी। आज ये दोनों ही दोस्त 48 साल उम्र के हैं और दोनों ही सेंटी बिलियनर्स हैं, यानी कि 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के असासों के मालिक। वाह वाह, दोस्ती हो तो ऐसी। लैरी भी अपने दोस्त की तरह अल्फाबेट कंपनी के 6% शेयर होल्डर हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि लैरी ने साल 1995 में ही एक ऑनलाइन सर्च इंजन बना लिया था, जिसका नाम था बैक रब। आगे चल
चलकर इन्हें अमेरिका की मशहूर जमाना और दुनिया की चोटी की आईटी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक और जहीन लौंडा मिला जिसका नाम था सर्जी ब्रेन। और इसकी मदद से लैरी ने अपने सर्च इंजन को मजीद बेहतर किया और ये आगे चलकर google.com की शक्ल में सारी दुनिया के सामने आया। अगर आप इन दोनों दोस्तों के बारे में एक फैक्ट से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। नंबर 6, वॉरेन बफे नेटवर्थ $116 बिलियन। दोस्तों वॉरेन बफे आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना पहला शेयर सिर्फ 14 साल की उम्र में खरीदा था और आज ये 91 साल के हो चुके हैं। इन्हें ये एहसास भी जाता है कि ये दुनिया के सबसे शातिर और सबसे कामयाब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के तौर पर जाने जाते हैं। आज ये बर्कशायर हैथवे नामी एक कंपनी के मालिक हैं जो कि एक दौर में एक टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी। वॉरेन ने सबसे पहले इस कंपनी के शेयर खरीदना शुरू किए और फिर देखते ही देखते ये पूरी कंपनी ही खरीद बैठे। आज इनकी ये कंपनी अमेरिका भर में 3,72,000 लोगों को रोजगार फराहम कर रही है। इस कंपनी के जरिए वॉरेन बफे आज दुनिया की तकरीबन सभी बड़ी बड़ी कंपनीज में शेयर्स लेकर बैठे हुए हैं। इन बाबा जी के अमीर होने का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि एक मशहूर जुबाना कोका कोला कंपनी की इस वक्त कंपनी वैल्यू $110 बिलियन है और ये बाबा जी कोका कोला कंपनी के 9% के शेयर होल्डर है। इसके अलावा मोबाइल फोन से शुरू होने वाली टेक्नोलॉजी की कंपनी एप्पल आज $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा की मार्केट वैल्यू रखती है और हमारे बाबा जी इसमें भी 5% के मालिक हैं। इसके अलावा अमेरिका के एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक बैंक ऑफ अमेरिका में भी इन बाबा जी के टोटल 11% के शेयर्स हैं। अगर हम सिर्फ आज इनके बिजनेसेस के बारे में आपको बताने बैठ गए तो यकीन करें ये वीडियो 2 घंटे से भी ज्यादा तवील हो जाएगी। लेकिन अब वॉरेन बफे का बुरा टाइम शुरू हो गया है। इन्हें बिटकॉइन और दूसरी नई टेक्नोलॉजी से शदीद नफरत है जिनसे आज का नौजवान घर बैठे ही मिलियनेयर मल्टी मिलियनेयर और बिलियनेयर भी बनता जा रहा है। नंबर 5, गौतम अडानी नेटवर्थ $120 बिलियन। दोस्तों साल 2022 में दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी होने का एजाज भी एक भारतीय को ही जाता है। गौतम अडानी भारत की मशहूर जमाना बिजनेस कंपनी अडानी ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। आपको ये जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि चार्ली चैप्लिन जैसी मूंछों वाले ये अंकल आज 2022 में न सिर्फ भारत बल्कि एशिया के भी सबसे अमीर आदमी है। अडानी के वालिद कपड़े का व्यापार करते थे जिसमें इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन्हें कॉलेज भी भेजा गया मगर ये दूसरे साल में ही कॉलेज से भाग गए। आज ये अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन में 75% शेयर के मालिक हैं। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स यानी के बंदरगाहें और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी इनका 65% का शेयर है। यही सब नहीं बल्कि अडानी ग्रीन एनर्जी में इनका 61% शेयर है और इसके अलावा अडानी टोटल गैस कंपनी में इनका 37% का शेयर है। 2020 में फैलने वाली वबा के वक्त इन्होंने इस वबा से लड़ने के लिए अपनी जेब से 100 भारतीय करोड़ रुपए का अतिया भी दिया। भारतीय लोग इनसे कुछ ज्यादा ही नफरत करते हैं क्योंकि अडानी एक एक करके भारत की बंदरगाहें और एयरपोर्ट्स भी खरीदने के मूड में हैं। इन्होंने हाल ही में भारतीय गवर्नमेंट से एक डील की है जिसकी वजह से भारत के दूसरे सबसे मशरूफ एयरपोर्ट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 74% के मालिक बन बैठे हैं। आज 2022 में इनकी नेटवर्थ $120 बिलियन के लगभग है जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 22,28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बन जाते हैं। नंबर 4, बिल गेट्स नेटवर्थ $127 बिलियन। दोस्तों बिल गेट्स को ये एजाज जाता है कि ये साल 1992 से साल 2000 तक तकरीबन 18 साल तक नॉनस्टॉप दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे हैं और आज 2022 में भी ये दुनिया के 4th सबसे अमीर आदमी हैं। बिल गेट्स की तकरीबन सारी ही दौलत इनकी बनाई हुई कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी हुई है जो कि इन्होंने अपने जमाने तालबे इल्मी में ही बना ली थी। ये दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी थी जिसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट इनकी विंडोज है। दोस्तों याद रखें कि हम तो अपने कंप्यूटर में हफीज सेंटर से जाके 100 रुपए वाली CD लेकर आते हैं जिसमें चोरी की विंडोज होती है और वो इंस्टॉल कर लेते हैं, मगर ये सहूलियत अमेरिका और यूरोप में रहने वाले गोरों को कभी भी नसीब नहीं हुई और इन्हें कंप्यूटर खरीदने के साथ साथ हमेशा ही नई विंडोज भी खरीदनी पड़ती है जो कि $200 से $350 तक पड़ जाती है। और आज 2022 में नई विंडोज 10 आपको $900 के लगभग पड़ती है जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2,00,000 रुपए के लगभग बन जाते हैं। बिल गेट ने विंडोज के जरिए अरबों डॉलर कमाया और फिर इस पैसे से दूसरे बहुत से कामयाब बिजनेसेस को भी खरीद लिया जिनमें वीडियो गेम्स की कंपनी एक्सबॉक्स भी शामिल है। इसके अलावा वीडियो चैट का प्लेटफॉर्म स्काइप, लिंक्डइन और कुछ दूसरी कंपनियां। बिल गेट्स एक बार अपनी आधी दौलत पूरी दुनिया में होने वाले फलाहो बहबूद के कामों के लिए अतिये में भी दे चुके हैं। उन्हें जब पता चला कि पोलियो कितनी खतरनाक बीमारी है तो इन्होंने पोलियो
पोलियो की वैक्सीनेशन पूरी दुनिया के लिए फ्री कर दी है। और साल 2021 में पाकिस्तान की तारीख का पहला साल था जब मुल्क भर में एक भी पोलियो का केस सामने नहीं आया। इसी साल बिल गेट्स की खिदमत के इतराफ में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिल गेट्स को पाकिस्तान आने की दावत दी और इन्हें हलाले पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा गया। बिल गेट्स ने हाल ही में अपनी बीवी से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है क्योंकि दोनों मियां बीवी अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ थे और अब एक दूसरे को देने के लिए टाइम ही नहीं था। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि बिल गेट्स की बड़ी बेटी जेनिफर गेट्स ने अमेरिका में मुकीम मिस्री मुसलमान लड़के नियाल नसीर से शादी की है और आजकल वो मिस्र में रह रही हैं। नंबर 3, बर्नार्ड आर्नोल्ड, नेटवर्थ $132 बिलियन। दोस्तों, तस्वीर में नजर आने वाले ये हैंडसम से बाबा जी बर्नार्ड आर्नोल्ड हैं जो कि दुनिया के मशहूर जमाना लग्जरी के ब्रांड LVMH के मालिक हैं। आज दुनिया भर में अमीर लोग अपने आप को अमीर नहीं समझते जब तक कि इनके पास लुई विटॉन का बना हुआ कोई बैग मौजूद ना हो या फिर क्रिश्चियन डायोर कंपनी के बने हुए कपड़े ना हो। ये दोनों ही कंपनियां आज दुनिया में लीडिंग फैशन ब्रांड्स हैं जिनका एक हैंड बैग भी हजारों डॉलर मालियत का होता है। फ्रांस के एक छोटे से गाँव से ताल्लुक रखने वाला ये आम सा लड़का आज 73 साल की उम्र में दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी बन चुका है और आज से कुछ साल पहले तक ये चाचू दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी भी रह चुके हैं। बर्नार्ड आर्नोल्ड अपनी मलकियत में ऐसी कंपनियां रखते हैं जो कि दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां, सबसे महंगे परफ्यूम्स, सबसे महंगे कपड़े, सबसे महंगे हैंड बैग्स और सबसे महंगी वाइन्स भी तैयार करती हैं। घड़ियों का मशहूर जमाना लग्जरी ब्रांड टैग हैग्योर भी इन्हीं की मलकियत में आता है। इनकी कंपनी प्रिंसेस यॉट्स बर्तानिया में मौजूद एक लग्जरी यॉट्स बनाने की कंपनी है जो कि सिर्फ मखसूस और अमीर ग्राहकों के लिए जबरदस्त लग्जरी कश्तियां तैयार करती है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि बर्नार्ड आर्नोल्ड ने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा टैक्सी ड्राइवर की नौकरी में गुजारा है और आज ये $132 बिलियन के सासों के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी है जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 25,08,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 2, जेफ बेजोस, नेटवर्थ $150 बिलियन। दोस्तों, साल 1994 में जेफ बेजोस वॉल स्ट्रीट पर सालाना $100,000 की एक जबरदस्त नौकरी कर रहे थे मगर इन्हें रातों रात एक आइडिया आया और इन्होंने थोड़े से पैसे हाथ में कर ये नौकरी छोड़ दी। जेफ बेजोस की बीवी और इनके घर वाले यही समझे कि या तो ये अपनी 9-to-5 जॉब से तंग आ चुके हैं या फिर इनका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है। मगर जेफ बेजोस ने 1994 में ही आने वाले दुनिया को भांप लिया था जहाँ पे लोग कोई भी चीज खरीदने दुकान पर नहीं जाएंगे बल्कि वेबसाइट पर अपने घर से बैठे हुए ही ऑर्डर करके मंगवा लिया करेंगे। जेफ बेजोस ने अपने माँ बाप और कुछ दोस्तों से थोड़े से पैसे उधार पकड़े और अपने घर के गैराज में बैठकर amazon.com नामी एक वेबसाइट का आगाज किया जहाँ लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके किताबें खरीद सकते थे। सारी दुनिया गलत साबित हुई और ये टकला आदमी एक जहीन आदमी साबित हुआ। शुरू में अमेज़न सिर्फ किताबें बेचने की एक वेबसाइट थी मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जेफ बेजोस इसमें बाकी सारी जरूरियात जिंदगी भी शामिल करता रहा। आज 2022 में इनकी ये वेबसाइट amazon.com दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। अमेज़न आज दुनिया भर में 16,08,000 अफराद को रोजगार फराहम कर रही है जिसमें से 9,50,000 अफराद का ताल्लुक अमरीका से है। बिल गेट्स के बाद जेफ बेजोस काफी अरसे तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे हैं मगर इनकी जिंदगी काफी मुश्किलात का शिकार रही है। इनका सबसे बड़ा दुश्मन सऊदी अरब का शहजादा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS है जिसकी वजह से जेफ बेजोस की तलाक भी हुई और हम जेफ बेजोस के बारे में भी एक मुकम्मल फैक्ट से भरपूर वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 1, इलोन मस्क, नेटवर्थ $268 बिलियन। दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्त शायद ना जानते हो तो हम आपको बताते चलें कि $1 मिलियन में 19 करोड़ पाकिस्तानी रुपए होते हैं और $1 बिलियन में 19,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। इलोन मस्क इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी है जो कि $268 बिलियन का मालिक है। अगर आज के करेंसी रेट पर कन्वर्ट करें तो ये लौंडा 50,92,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मालिक बन जाता है। इलोन मस्क इतना ज्यादा अमीर है कि इसके लिए बिलियन का लफ्ज ही छोटा लगने लगा है। ये आदमी इतना अमीर है कि चूंकि ट्विटर कंपनी इसके नजरियात के मुताबिक नहीं चल रही थी तो इसने सोशल मीडिया जाइंट ट्विटर को $44 बिलियन के एविस खरीद लिया है। $44 बिलियन इतनी बड़ी रकम है कि इस वक्त श्रीलंका मौशी तौर पर मफलूज हुआ बैठा है और इस मुसीबत से निकलने के लिए इस पूरे मुल्क को $45 बिलियन दरकार है जबकि अकेला इलोन मस्क $44 बिलियन की एक डील मार रहा है। आपको ये भी जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि नवंबर 2021 में इलोन मस्क की नेटवर्थ एक बार $340 बिलियन भी हो चुकी थी। ये बंदा इतना अमीर है कि मौशी माहिरीन
कंपनी के मुताबिक ये दुनिया की तारीख का पहला ट्रिलियनर बनने जा रहा है, यानी कि वो आदमी जो कि 1,000 बिलियन डॉलर्स का मालिक होगा। मगर इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? दोस्तों, इलॉन मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक साइंसदान है जो कि हमारी दुनिया को बचाने में लगा हुआ है। इसने दुनिया की पहली बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार तैयार की है और हमें तेल और गैस की गुलामी से आजाद कर दिया है। इसके अलावा इलॉन मस्क ने दुनिया की सबसे पहली स्पेस ट्रेवल की कंपनी भी कामयाबी से शुरू कर लिया है, जो कि इंतहाई सस्ते रॉकेट बना रही है और बहुत जल्द टूरिस्ट को स्पेस की सैर के लिए भी लेके जाएगी। इलॉन मस्क पर भी हम पहले ही एक डिटेल से मुकम्मल वीडियो बना चुके हैं, जो कि अब तक आपकी मोहब्बत की वजह से 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी ले चुकी है और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।